सो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एंड दिस इज मी शिवम सारस्वत। मोस्ट ऑफ यू पीपल नो मी, जानते हो आप लोग मेरे को डिफेंस एग्जाम मास्टर के नाम से। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था तुम लोगों को, वी विल टॉक टू नरेंद्र सर वेरी सून। सर बड़ा ना आपका ना फैन फॉलोइंग आजकल बहुत तगड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे ना, बच्चे बड़ा आपको प्यार कर रहे हैं आजकल। एंड जो लास्ट वाला पोस्ट था दैट वी कोलैबोरेटेड, इट रीच्ड मोर देन 5,000 लाइक्स। 5,000 पीपल से ज़्यादा जो थे ना दे कनेक्टेड, वो पेरेंट्स वाला पोस्ट भी है ना आपका, वो ब्लैक यूनिफॉर्म एनएसजी वाला, तो पीपल कॉल इट। सर तो बड़े डोप लग रहे हैं ना, इनके जेंजी है ना सर, ये जेंजी वाले बच्चे हैं ना, तो वो जेंजी वाले एस्पेक्ट पे भी आएंगे। एंड सर इज वेरी कूल बाय द वे, तो वंस दिस सेशन इज ओवर वी विल ऑल्सो टॉक सर टॉक टू सर रिगार्डिंग, लाइक हम क्यू एन ए भी करेंगे छोटा सा सर के साथ, वहाँ पे बच्चे बात भी कर सकते हैं सर से। तो सर वेलकम टू दिस अमेजिंग पॉडकास्ट दैट आई कॉल टॉक विद लीजेंड्स। एंड वहाँ पे मैं अपने उन सीनियर्स को लाता हूँ जो कि फौज में हैं, सर्विंग रहे काफ़ी लंबे समय तक, उनका एक मल्टीफेरस एक्सपीरियंस था डिफेंस में। एंड देन वी डिग आउट देयर जर्नी, हाउ दे स्टार्टेड, व्हाट वाज देयर इंस्पिरेशन बिहाइंड ज्वाइनिंग द फोर्सेस। तो ऑन बिहाफ ऑफ होल टीम ऑफ माइन एंड मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू सो मच। जय हिंद टू एवरीवन। और ये जेनजी वाली बात है यार, जेनजी वाला तो सही बात है, बड़ा मजा आता है ना। दीज गाइज आर मतलब बड़े जबरदस्त बच्चे हैं आज के। वाइल वी वर इन देयर एज ब्रैकेट तो थोड़ा सा हमारा ना डिफरेंस आ गया। एंड पोस्ट का ऐसा है यार कि पोस्ट डालने का इरादा यही है कि इट शुड मोटिवेट समबडी, क्योंकि मैं ज्यादा वैसे अभी तक कोई इंट्रैक्शन वाला कुछ करा नहीं है, बट पोस्ट ऑल्सो पिक्चर्स ऑल्सो स्पीक, दैट इज द आइडिया बिहाइंड पुटिंग पिक्चर्स की। यार आप देखो, यू सी अ फ्रेम, यू सी अ लाइफ, यू इन्विसार्ज समथिंग, फिर आपको लगे कि हाँ यार ये चीज है जो कर सकते हैं, करनी चाहिए, से मजा आएगा करने में। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड पुटिंग पोस्ट। बाकी प्यार मिलता है तो फिर अच्छा लगता है यार, बड़ा मजा आता है इन चीजों का। और सर अभी ना बहुत अच्छा ना एक एक दैट इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली ना, सोशल मीडिया इज अ बोन फॉर दीज किड्स, मुझे ऐसा लगता है। जैसे हम लोग जब कॉलेज में थे, और आप तो मेरे से भी सीनियर हो, आपने तो मेरे से भी पहले कॉलेज किया था, तो हमारे टाइम में ना उतना ज्यादा ना पेनिट्रेशन नहीं था जितना आज की टाइम में है। एंड बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग इनसे कनेक्ट कर पाते हैं, आप लोग कनेक्ट कर पाते हो, एंड देन फिर ये बच्चे उससे इंस्पायर होते हैं। एंड मेरे को काफी बच्चों ने मैसेज भी किया था कि सर हाउ कैन यू ज्वाइन इन एनएसजी, तो मैंने कहा एक हाँ कन्वर्सेशन होगा, तो सर के कन्वर्सेशन हाँ सर सर का जब कन्वर्सेशन होगा हाँ तो हम वहां पे सर से बात करेंगे कि किस तरीके से सर ने एनएसजी ज्वाइन करी, किस तरीके से सर का जर्नी था, लाइफ लाइफ जर्नी कैसा था। तो सर उसी से स्टार्ट करना चाहूंगा। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइंड टू यू विल बी कि सर आर्मी ही क्यों, मतलब व्हाई डिड यू ज्वाइन द आर्मी, और लाइफ में कुछ ऐसा काम था आपके, मतलब कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ लाइफ में कि आपका फैमिली बैकग्राउंड तो फौज का था ही, और उसके अलावा वाज दैट अ इंडिविजुअल कॉल ऑफ योर्स कि यार मेरे को आर्मी में जाना है, वो कैसे हुआ सर? मैं बताता हूँ। एक्चुअली एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, मेरा बैकग्राउंड मतलब आई एम अ फोर्थ जनरेशन इन आर्मी, तो ऐसा है कि सबकॉन्शियस माइंड में तो मेरा हमेशा से था ही था कि यार ये फौज है। तो बड़ी बार मुझसे पूछते हैं कि वो है फौज इज इन योर ब्लड, तो मैं उसका आंसर देता हूँ, नॉट इन माई ब्लड, इट इज इन माई स्किन, माई ब्लड, माई बोन्स, सब में फौज ही फौज है। क्योंकि दादा परदादा फादर सब थे, दे हैव फॉट वॉर्स ऑल्सो फॉर द कंट्री, तो सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा था कि यार फौज जाना है यार, क्योंकि आपको इंट्रीगिंग लगता है ये ना, सामने आप हमेशा देखते हो, उसी में रहे। काफी पार्ट मेरी लाइफ का ऐसा था जो मैंने कैंट्स में गुजारा है, तो देन यू कीप सीइंग मतलब वो लाइफ स्टाइल का हमेशा पार्ट रहते हो। पर्टिकुलरली कोई इवेंट अगर मैं बोलूँ तो मैं बड़ा ना सही कैंडिड जवाब देता हूँ कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैड नो इंटेंशंस ऑफ ज्वाइनिंग आर्मी। मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मैं फौज ज्वाइन करूंगा, सब कुछ सबकॉन्शियस में चल रहा था अपने पीछे, बट ऐसा कोई मेरा एफर्ट नहीं था आउट ऑफ द जाके जाके कि एफर्ट करूं और फौज में चला जाऊं। 12th करी, 12th के बाद मैंने अपना एग्जाम दिया, एनडीए का एग्जाम दिया, क्लियर किया, रिटर्न क्लियर किया, एसएसबी नहीं देने गया, ठीक है। तब लगा कि चलो यार, तब हमारा चल रहा था उस टाइम पे 2004-5 के आसपास आईआईटीज का बड़ा जोर था उस टाइम पे कि आईआईटी करना है, AIEEE निकालनी है कोई सीट, इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है। बायो मेरी बहुत अच्छी थी लेकिन बायो छोड़ दी ये सोच के कि डॉक्टर नहीं बनना यार, इंजीनियरिंग करते हैं लड़के, इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है। वो करा, इंजीनियरिंग की तरफ निकल गए, इंजीनियरिंग में पहुंचे,
फिर बस वही है, लक ऐसा बैठा इस तरीके से घूमा पूरा का पूरा कि फौज में जाना था। वही ना, सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज होती है आपके, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो बहुत टाइम से, एफर्ट आपके कितने भी हो, किसी भी लेवल पे चल रहे हो, वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है, यू अचीव दैट थिंग। तो हाउ आई गॉट इट टू इट इज अनदर स्टोरी, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि भाई हुआ कैसे कैसे मैंने, मतलब फॉर दैट मैटर मैं यूएस एंट्री हूँ, तो मैं सीडीएस के एग्जाम भी नहीं दिया, इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू की कॉल आई, तो कैसे एसएसबी हुआ वो मैं आपको ना आगे बताता हूँ फिर उसमें, इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पे सर ने बोला ना कि सर इज यूएस एंट्री ऑफिसर, तो मैं यूएस एंट्री के बारे में बताता हूँ। यूएस इज बेसिकली यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। 2013 तक यूएस होता था आर्मी में, तो आई व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज सर यूएस होता था। मेरे को बड़ी होप थी, पर हम लोग ना पढ़ने में इतने ठीक नहीं, मैं तो बहुत मीडियम वाला बंदा था। तो यूएस में क्या होता था कि प्री फाइनल ईयर में ही आपका सिलेक्शन हो जाता था। एज सून एज यू पास आउट फ्रॉम द कॉलेज यू लैंड अप इन टू IIM। तो वो कहानी होती थी यूएस एंट्री की, बहुत अच्छी एंट्री थी। आई नो लॉट मेनी सीनियर्स ऑफ माइन वेंट ऑन टू ज्वाइन आर्मी थ्रू यूएस। एंड सर फिर ये तो आपका था, यूएस एंट्री से आप गए, एंड देन और भी एक और भी बड़ी अमेजिंग अमेजिंग सी कहानी आपने बताई थी। फिर कैसे रहा, आगे का जर्नी कैसा रहा सर? यार मैं ना कहानी ना यूएस एंट्री से ना पीछे ले जाता हूँ एक्चुअली ना, मेरे को व्हाट आई एक्चुअली वांट टू टेल स्टूडेंट्स इज कि वो पढ़ाई वाला ना अलग अलग स्टोरियां आती है पढ़ाई की, कि मैं पढ़ाई में कोई बोलता है यार मैं मीडियोकर हूँ तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया या वो वाला है, तो वैसा कुछ नहीं। मैं पढ़ाई में अच्छा था यार, मैं पढ़ाई में भी अच्छा था अपने स्कूल में, और मैं पढ़ाई का किस्सा बताता हूँ। एक मेरी पढ़ाई भी बड़ी जबरदस्त थी, मैं 7th क्लास की एक स्टोरी बताता हूँ। मैं 7th में, मैं अपनी क्लास में टॉपर था, तो केवी में था। केवी में क्या होता है कि आपकी सेक्शन वाइज तो आपके रैंक आते आते हैं, फिर एक पूरी क्लास का रैंक आता है कि 7th क्लास में कौन टॉपर है, 7th ABC में कौन टॉपर है। वैसे तो मैं कैसा वो था, मेरे मैथ्स का एक बताता हूँ एग्जाम्पल। मेरी मैथ्स की ऐसी हालत थी कि मैं फर्स्ट आया क्लास में, मेरे मैथ्स में कोई 40 और कुछ मार्क्स आए, और घर में मैं बता के क्या जाता था मैथ्स के एग्जाम के दिन कि भाई मैं इंग्लिश का एग्जाम है, तो वो मेरी, वैसा तो मैं स्टूडेंट था। फिर ये स्टूडेंट, मैं 10th पहुंचा, 10th में मेरे मैथ्स में मार्क्स आए 50 54। तो आपको क्या होता है आगे 11th में अगर मैथ्स चाहिए तो आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं किवी में 55। मैं अटक गया वहां पे, मेरे को मैथ्स ना मिले, ये ईगो हर्ट हो गया एक तरीके से कि यार मैथ्स नहीं मिल रहा क्या करे। बड़ी तरीके से आई हैड प्लेड फ्यू नेशनल्स अपने क्रिकेट के, तो वहां से कर करा के मुझे ग्रेस में मेरे प्रिंसिपल ने 2 मार्क्स दिलवाए किसी तरीके से, ट्रैकिंग के जुड़ा के और क्या बोलते हैं मैथ्स के अपना इसके, एंड आई गॉट 2 ग्रेस मार्क्स इन मैथ्स, एंड दैट्स हाउ आई गॉट मैथ्स इन माई 11th। फिर पढ़ाई करी और 11th 12th में आई कुड स्कोर 100 आउट ऑफ 100। तो ये पढ़ाई का वो था। तो कुछ नहीं है, मतलब पढ़ाई से बेसिकली आपका जो फंडा है ना कि आप कैसे भी हो यू हैव टू सी, और आपको जो चीज चाहिए उस पर एक बार फोकस करके फिर उसके पीछे पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आपकी पढ़ाई चल पड़ेगी, जहां आप पहुंचना चाहते हो अपने आप पहुंच जाओगे। ये पढ़ाई वाला है, बिकॉज लॉट मेनी पीपल चाहिए सर पढ़ाई नहीं है, सही नहीं चल रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं, कुछ नहीं है, आप फोकस करोगे हर चीज आ जाती है अपने आप ही। ये है यूएस एंट्री का। यार मैं बताता हूँ यूएस एंट्री का हुआ, मैं यूएस का इंटरव्यू देने पहुंचा, एज आई वाज टेलिंग यू कॉलेज में थे, लंबे लंबे बाल करके, बस बिल्कुल ही कॉलेज टाइप ही थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे होते हैं सब। एंड ये इंटरव्यू के लिए आ गया, एंड व्हाट आई वाज कैरिंग अ बैगेज विद मी, क्योंकि जनरेशनल पीछे चल रही है, तो आप जब इंटरव्यू में बैठते हो तो सबसे पहले वो यही पूछते हैं कि आपके फादर आर्मी में है, आपके ग्रैंडफादर आर्मी वाले हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर आर्मी वाले हैं, तो आप ये क्या हाल बना के घूम रहे हो, बताइए, कम फॉर एन इंटरव्यू, यू आर कमिंग लाइक दिस। सो दैट्स वेयर आई गॉट अ फर्स्ट शॉक कि यार हाँ यार थोड़ा तो, मतलब आपको जो है आपका पीछे का बैगेज जो है यू हैव टू लिव अप टू इट, थोड़ा तो आपको मतलब वो है, इफ नॉट इन योर लुक्स तो आपको थोड़ा सा अपनी हरकतों को तो सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है आप नाम में कैरी कर रहे हो, आपको नाम कैरी करना पड़ेगा ठीक से। तो लुक्स वुक्स तो चल जाएंगे यार, बाल लंबे चल जाएंगे, लेकिन आपका एटीट्यूड नहीं चल पाएगा ढीला किसी भी तरीके से। सो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा यूएस वाला, बिकॉज दैट थिंग मतलब गॉट इन टू मी दैट आई एम नॉट कैरिंग अ पर्टिकुलर लुक विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ जनरेशनल वाला जो फौज का वो है, दे वर एक्सपेक्टिंग बेटर ऑफ मी कि यार फौजी वो है लड़का, इंटरव्यू देने आया है तो थोड़ा सा तरीके से आएगा, सो आई हैव ड्रेस्ड वेल बट नॉट इन लुक्स। तो वो एग्जाम प्री फाइनल, एज यू टोल्ड यूएस एंट्री होती थी, प्री फाइनल में दीज पीपल यूज टू कम टू अस, तो इंटरव्यू तो मेरी तरफ से मुझे लगा ठीक हो गया जैसे भी था,
बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर अबाउट 4-5 मंथ्स वी डिड नॉट गेट आर रिजल्ट्स. तो वो पढ़ाई में, प्री फाइनल के एग्जाम्स वगैरह में, और फाइनल ईयर कॉलेज का है तो आपके दिमाग में होता है यार कॉलेज भी खत्म हो रहा है कुछ, तो आप अपने दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो गया. मैं आई वॉज गिविंग इंटरव्यूज फॉर अदर कंपनीज ऑल्सो, TCS वगैरह का इंटरव्यू दिया मेरा, वो क्लियर हुआ था. तो ये सब चलते चलते अचानक से आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड ही टोल्ड मी कि यार तुझे याद है हमने, वी हैड गिवन अ इंटरव्यू इन अ कॉलेज, तो उस इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया है, वी हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, हमारा नाम आ गया SSB के लिए, तो अपने को जाना है, SSB इज देयर इन बैंगलोर. तो आई बिलोंग टू जम्मू, तो मेरे कॉलेज के या नेबरिंग कॉलेज के वी वर अबाउट 10-12 बॉयज हु हैड बीन कॉल्ड फॉर दैट SSB. बुला लिया अचानक से, एंड बिकॉज इट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम हैड पास्ड, एंड एक आधा इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया था, तो वो डायलमा फिर से क्रिएट हो गया माइंड में कि यार जाएं क्या करें, मतलब इस टाइम पे कॉलेज के भी लास्ट दिन चल रहे. तो ठीक है, किसी तरीके से फाइनली देर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, एंड ही कन्विंस्ड मी बाई टेलिंग मी कि यार तू जा एक काम कर, बैंगलोर घूम के आ, डोंट गो फॉर योर SSB, डोंट थिंक इट्स SSB, तू सिर्फ जा बैंगलोर घूम के आ जा, इट्स अ नाइस प्लेस, आई हैव बीन देयर, यू गो विद दैट इंटेंशन ओनली. ये डिसाइड हो गया, ठीक है जी करना है आपने, SSB अटेंड करना है, एंड वी लेफ्ट. लेफ्ट तो कर दिया, कोई टिकट नहीं कराई, कोई कुछ नहीं कराई, हम लोग बैठ गए जम्मू से बैठे ट्रेन में, एक्चुअली टेलिंग यू, तो हम जितने थे 7-8 थे, जो मेरे कॉलेज वाले 3-4 थे, तो हमने टिकट्स नहीं कराए हुए थे, हम सारे उसी हिसाब में थे कि जाएंगे बैंगलोर घूम के आ जाएंगे. ट्रेन स्टार्टेड, रात की ट्रेन होती है यहाँ से, जम्मू से चलती है, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मैं वो जो टॉयलेट्स के बीच वाली जो जगह होती है वहाँ पे सीढ़ियाँ की होती हैं, मैं ऐसे बैठा हुआ था वहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ, पीछे खड़ा था, बात चल रही थी कुछ की, यार चल गए बैंगलोर इज फार फार अवे यार, 3 दिन लगेंगे, ये तो गलती कर दिया ऐसे लग रहा है. ठीक है, एंड आई आई डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड दैट रिच, उस टाइम पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि प्लेन की कोई टिकट हम लोग ऐसे इमरजेंसी में बुक करा लेते, तो वो भी नहीं था, कोई स्कोप नहीं था हमारे पास. यू वोंट बिलीव एज लक वुड हैव इट, मतलब समथिंग वाज हैपनिंग, एंड अचानक से मेरे पास वहां पे एक आया, बंदा आया, एंड ही वाज लाइक कि सर समथिंग हैज हैपेंड इन आवर फैमिली, एंड वी हैव गॉट 2/3 सीट्स कुछ थे उनके पास, एंड वी विल बी डिबोर्डिंग एट द नेक्स्ट स्टेशन. तो सर नहीं, मतलब उस टाइम पे तो हम बच्चे ही थे, मतलब हमारी एज का था, कि भैया ऐसे करके है, एंड आप हमारी सीट ले लो, यू बी कंफर्टेबल. और मैं कह यार तो मतलब है, मतलब समथिंग इज एक्चुअली अलाइनिंग समवेयर, यस बड़ी कंफर्टेबली बैठे गए हम लोग, बैंगलोर पहुंच गए आराम से. तो नाउ आई स्टार्ट विद व्हाट व्हाट हैपेंड इन माय SSB. अब मैं SSB का बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बता क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ SSB वाला, कि SSB में भी लोग बहुत सोचते हैं कि मतलब यार कैसे प्रिपेयर करेंगे SSB क्रैक हो जाए. तो इट इज नॉट लाइक अ नॉर्मल एग्जाम कि आप मतलब बिल सिर्फ प्रिपरेशंस में अपने आप को खोदोगे, यू विल स्टार्ट फेकिंग योर सेल्फ और यू स्टार्ट फेकिंग समथिंग, तो कुछ हो जाएगा, वैसा नहीं है कुछ भी. नेचुरल रहना क्यों इंपॉर्टेंट है, आई टेल यू मेरे SSB का, आपको मैं बताता हूँ इंस्टेंट. मैं अपने SSB के लिए पहुंचा, इनिशियल स्क्रीनिंग वगैरह क्लियर हुई, सब कुछ हुआ, मेरे आई वॉज फिजिकली वेरी गुड, तो मेरे टेस्ट वगैरह बड़े अच्छे जा रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था, एंड आई वॉज वेरी एकदम ओपन माइंडेड, फ्री माइंडेड, आई वॉज वेरी कैजुअल अबाउट इट, कि ठीक है यार मतलब करना है, आए हैं तो हो जाएगा, अच्छे से करेंगे बस, बट देर वॉज एब्सोल्युटली नो स्ट्रेस, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, बड़े मजे से चल रहा है. एंड द फ्रेंड हु हैड एक्चुअली कन्विंस्ड मी, मेरा इंटरव्यू था नेक्स्ट डे शेड्यूल, मेरी रात के आसपास वहां पे वो होते थे कैफे सॉर्ट ऑफ होते थे बैंगलोर वाले SSB में, वेरी गुड चैट विद पीपल, और उस टाइम पे ये था ऑर्कुट होता था, राइट राइट तो ऑर्कुट पे मेरी उससे चैटिंग चल रही थी फ्रेंड से, देयर वाज मी वन मोर फ्रेंड ऑफ माइन एंड द गाय हु हैड मतलब कन्विंस्ड मी टू एक्चुअली कम टू बैंगलोर फॉर दिस SSB, एंड वी वर चैटिंग, एंड चैट वैट करके हमारी थोड़ी बहुत हुई कि हाँ यार मतलब हो गया, इनिशियल क्लियर हो गया है, एंड टुमारो इज माई इंटरव्यू, एंड यार वही बात चल रही थी यार भाई इंग्लिश तो यार इतनी अच्छी है नहीं है, एंड दैट वुड बी कम्प्लीटली इन इंग्लिश, तो यार देखते हैं क्या होता है, मतलब यही सब बातें बातें करके बात करके हम वापस आ गए. नेक्स्ट डे आई गॉट रेडी फॉर माई इंटरव्यू. तो इंटरव्यू में होता कैसे है कि यू आर स्टैंडिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो एक जो आपका कैंडिडेट होगा ही इज गिविंग हिज इंटरव्यू, यू हैव अटेंडेड सो मेनी वो अपने SSB, तो यू कैन रिलेट कि वो कैसे होगा, एक अंदर बैठा होता है, हाँ एक पीछे बाहर दरवाजे पे थोड़ा सा पीछे खड़ा होता है,
1% इज स्टैंडिंग, बाकी लोग हॉल में वेट कर रहे हैं न्यूज़पेपर वगैरह कुछ पढ़ने हॉल के। में होते हैं, एक लाइन बनी होती है, कुछ 15-20 मीटर पीछे एक बंदा होगा जो आपसे एट अ सर्टेन डिस्टेंस वो खड़ा होगा। तो हम लोग ऐसे ही खड़े थे, मैं बाहर खड़ा था, माइंड वॉश मतलब टू बी शेड्यूल्ड नेक्स्ट, और अंदर एक बैठा हुआ था, मेरे पीछे मेरा दोस्त खड़ा था। वी वर स्टैंडिंग देयर एंड ही वॉक्स अप टू मी एंड ही टेल्स मी कि यार नरेंद्र, जिस हम हमारा फ्रेंड था जिशान नाम था, तो बात चलती उसने ही जस्ट केम अप टू मी एंड सेड कि यार वी लॉस्ट जिशान लास्ट नाइट एंड आई एम अबाउट टू एंटर द हॉल फॉर माई दिस थिंग फॉर माई इंटरव्यू एंड आई जस्ट गेट अ मैसेज कि यार वी लॉस्ट जिशान। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, आई वॉज गॉट अ शॉक, लेकिन मैं कुछ मतलब रिएक्ट नहीं करा। एंड इन अदर 5 odd minutes आई वॉज कॉल्ड इन साइड फॉर द इंटरव्यू। माई इंटरव्यू स्टार्टेड, इट वॉज गोइंग फाइन, आई वॉज बींग आस्क डिफरेंट क्वेश्चन, ये कि कोई नॉर्थ ईस्ट वॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चन चल रहे थे। तो अचानक से आई वेरी विविडली रिमेम्बर, वहां से जो इंटरव्यूअर बैठे हुए थे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि नरेंद्र टेल मी समथिंग अबाउट योर फ्रेंड्स। एंड ये क्वेश्चन आया मेरे पास, वट एवर दैट वॉज मतलब गोइंग इन माई माइंड, एकदम से आई स्टार्टेड क्राइंग। इंटरव्यू के बीच में SSB का इंटरव्यू चल रहा है एंड फॉर नेक्स्ट 10-12 मिनट्स आई वॉज क्राइंग, मैं रोता रहा बैठ के वहां पे। एंड दे डिड नॉट स्टॉप मी, दे डिड नॉट से एनीथिंग, दे लेट मी बी। वो मेरे को कोई 10-12 मिनट का टाइम दिया उन्होंने, एंड इट वाज अ लॉन्ग टाइम, 10-12 मिनट एवरीबडी वाज वेटिंग एंड आई हैड पुट माय हेड डाउन, मैंने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था एंड आई वाज क्राइंग, आंसू निकल रहे थे, पूरा पूरा मुंह भरा हुआ था मेरा। एंड आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स मतलब फिर मैंने आई कुड गेन सम कंपोजर एंड मैंने आई जस्ट वाइप्ड ऑफ माई फेस, मैंने बैठा आराम से एंड दे स्टार्टेड विद समथिंग एल्स, नए क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया। एंड इन अबाउट 10 मिनट्स दोबारा एक बार फिर से वापस आया एंड इफ यू आर कंफर्टेबल वी वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट योर फ्रेंड्स वंस अगेन, दैट दिस वाज देयर क्वेश्चन एंड आई रिफ्यूज टू आंसर दैट क्वेश्चन। मैंने उनको कह दिया कि सर मतलब वो है, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, आई विल नॉट वॉन्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन करके। एंड दैट दैट वॉज द स्टोरी ऑफ माई इंटरव्यू, हाउ इट वेंट। एंड इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ, आगे के टेस्ट वगैरह हुए, सारे कुछ हुए एंड हेयर आई एम। आई दैट वॉज माई फर्स्ट SSB एंड आई क्लियर माई फर्स्ट SSB। तो जो ये चीज है SSB में, 5 दिन का जो इनका शेड्यूल है, जो इनके टेस्ट है, द पीपल हु आर सिटिंग देयर, द GTOs, द साइकोलॉजिस्ट, वो आपको आपकी पूरी पर्सनालिटी को मतलब पूरा जज कर लेते हैं वो अच्छे से, ठीक है। तो टेस्ट दे आर प्लान्ड इन अ वे कि आपको कोई वो आप फेक नहीं कर पाओगे उनके सामने, क्योंकि मेरा रोना, मेरा चिल्लाना या मतलब मेरा जो आंसर्स देना उनको, व्हाट आई वाज डूइंग फिजिकली वहां पे, दे कुड सी थ्रू मी कि हाँ यार मतलब रो रहा है तो क्यों रो रहा है, फलानी चीज कर रहा है, अगर कुछ चीज कर रहा है तो व्हाई ही इज डूइंग इट इट इन अ सर्टेन वे। सो वो है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर अटेम्प्टिंग SSBs, कि ज्यादा नहीं यार मतलब यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। एंड प्रिपरेशंस का भी मैं आपको ना बाद में एग्जाम्पल दूंगा, बिकॉज आई हैव एक्चुअली प्रिपरेशंस पे भी एक एग्जाम्पल दूंगा, बट पर्टिकुलरली विद SSBs जस्ट बी रियल, ये मेरा वो है, क्योंकि मैंने एक SSB दिया यार आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग, मैंने कोई वो नहीं ली, प्रिपरेशन नहीं ली, बट जस्ट बाई बींग योर सेल्फ बहुत सारी चीजें ठीक से निकल जाती हैं। राइट सर, नरेंद्र सर, इसमें ना एक एक वाला सवाल था ना जो आपने मेरे को कल बताया था व्हेन यू वर टॉकिंग ऑन कॉल, कि बड़े बड़े बाल में गए हुए थे आप, उन्होंने आपके बाल ही काट दिए वहां पे जाकर, तो शॉक वॉकिंग लगा यार आपको? मैं आई रिमेम्बर वी वर टू फ्रेंड्स यार, दूसरा भी सिलेक्ट हो गया, ही इज ऑल्सो ही इज सर्विंग राइट नाउ, मतलब आई विल नॉट बी एबल टू डिस्क्लोज मच अबाउट हिम, अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज माय फर्स्ट कॉलेज फ्रेंड ऑल्सो, ही ऑल्सो क्लियर डूइंग वेरी वेल इन आर्मी एंड वी टू वर देयर अटेम्प्टिंग, हमारा SSB चल रहा था, वी हैड क्लियर्ड आवर स्क्रीनिंग वगैरह सब कुछ चल रहा था। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली हमारा कॉन्फ्रेंस हो गया था, हमारा मेडिकल स्टार्ट हुआ था एंड एज लक वुड हैव इट मतलब हमारा मेडिकल कोई 17-18 दिन तक चलता था, डॉक्टर्स वर नॉट अवेलेबल, सैटरडेज को छुट्टी हो जाए, तो इट वॉज लाइक अ बिग लॉन्ग हॉलीडे विच मतलब, क्योंकि सिलेक्ट आप हो गए हो मेडिकल की आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे हो, वी वर 20 उस टाइम पे, तो 20 में हमें पता ही नहीं था ये चीजें, क्योंकि हमने भी किसी को पूछा नहीं था कि यार मेडिकल भी इंपॉर्टेंट होता है, कि मेडिकल के बाद भी कोई लिस्ट बनती है, वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट। हमें लगा कि ठीक है यार हमने कॉन्फ्रेंस क्लियर कर दी, अब तो हम ऑफिसर बन गए हैं, तो वी वर ऑफिसर्स मतलब काइंड ऑफ ऑफिसर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमने कहा कि चलो ठीक है यार बाल लंबे हैं कुछ नहीं है, तो वी
me and this officer, we went out somewhere and we were coming back from that place, MG Road बैंगलोर पे हम लोग घूम घूम के कहीं पे शाम को पहुंचे वापस, और वापस पहुंचते वी गॉट कॉट. देयर वाज दिस ब्रिगेडियर हु हैड कॉट अस एंड ही कॉल्ड अस. आई रिमेम्बर, मैं तो डायलॉग बताता हूँ. स्टैंडिंग देयर, मेरे को बाल देखे एंड ही सेज कि तेरे को क्या लगता है तू कहीं कोई ऋतिक रोशन है, तू कहीं का ये बाल देखते रहे. ही वाज लाइक ही जस्ट कॉट होल्ड ऑफ माय हेयर, यहां से पकड़े देता कि बाल देख और ये तू ऑफिसर बनने के लिए आया हुआ है. सो व्हेन वंस ही वाज टेलिंग मी दिस थिंग, द फ्रेंड हु वाज राइट नेक्स्ट टू मी, ही हैड अ स्मर्क ऑन हिज फेस, तो स्माइल करा. तो आई रिमेम्बर हिम टेलिंग हिम, तू राखी सावंत है इसके साथ घूम रही है जो. एंड देन हम दोनों को वहीं पे पकड़ा उन्होंने. ही कॉल्ड अ बार्बर एंड ही इंश्योर्ड वी हैड अ हेयर कट राइट राइट देयर, वही बैठा के अपने सामने. एंड इट वाज नॉट अ हेयर कट, मतलब वो कुछ नहीं था यार, उसने बस जिस हिसाब से उन्होंने बाल पकड़े थे कहा कि बस कर दो इनको साफ, कर दो इनको, बना दो इनको आज ऑफिसर. सर ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं. आर एकेडमी डेज हैड स्टार्टेड बिफोर वी हैड रीच्ड एकेडमी. राइट सर, राइट। तो मतलब वो वाला जो एक पीरियड होता है ना, मैं वी वर गोइंग टू आर एसएसबी, आई स्टिल रिमेम्बर दो डेज जब मैं इलाहाबाद में था। तो इलाहाबाद में यू नो कि 5 बोर्ड हैं सर, 11, 14, 18, 19 एंड देन 34। तो जो सिलेक्टेड वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो उनका चिल चल रहा होता है, बिकॉज व्हेन व्हेन माय फ्रेंड गॉट सिलेक्टेड, तो आपकी वाली कहानी थी ना कि मेडिकल नहीं हो रहा, व्हेन डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल, कभी छुट्टी हो गई, डॉक्टर लीव पे चला गया, तो वो एक एक महीने ना बोर्ड में पड़े रहते थे। बोले यार पूरा फुल एकदम सेवा हो रही है, नए बैचेस आते हैं, बच्चे पूछते हैं भैया आप कैसे रिकमेंड हुए, यार बहुत अच्छी फीलिंग है भाई, बहुत अच्छी फीलिंग है, तू भी आ जा, तू भी हो जा रिकमेंड, यार बड़े मजे आते हैं। तो काइंड ऑफ आई कैन टोटली रिलेट टू इट जो आप लोग उस दौर में फील कर रहे थे। सर अब आगे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि लाइक एसएसबी में, लाइक जब आप इंटरव्यू में बैठे थे, सो लाइक एक ना सवाल आता है, दैट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, एंड इस पर्टिकुलर ये जो अपनी जो मीटिंग है इसका ये आखिरी सवाल होगा, देन वी विल रीजॉइन अगेन, कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी। एक सवाल सबसे पूछा जाता है, व्हाई वुड यू लाइक टू ज्वाइन आर्मी, आप आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो। जैसे मेरे से तो हर एसएसबी में पूछते थे कि क्यों ज्वाइन करना है, तुम्हारा तो बैकग्राउंड ही टीचिंग वाला है, योर अंकल वाज इन आर्मी बट नो प्रॉपर फौजी बैकग्राउंड इज देयर, व्हाई डू यू वांट टू कम, बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो टीचिंग में जाके, ये वो। तो मतलब वॉट वॉज योर पर्टिकुलर, मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका से क्या था उस पर, यू वॉज एन इंजीनियर, यू आर अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बेसिकली, सो कॉरपोरेट छोड़ना, मतलब आपको पता है आप सी एस के हो एंड यू आर वेरी सीनियर, तो उतना उस टाइम पे तो बूम था, आपके टाइम पे तो पे एंड पैकेजेस बहुत ज्यादा हाई मिलता था, और उस जमाने में सैलरीज भी आर्मी की उतनी ज्यादा नहीं थी ऑफिसर्स की, तो वो छोड़ के मतलब आर्मी क्यों, मतलब आपने क्या आंसर किया अपने आईओ को सर उस दौरान। यार शिवम, मैं ना दो पार्ट में आंसर करूंगा इसका, क्योंकि ना व्हाई इन टू पार्ट्स. आई विल टेल यू द सेम क्वेश्चन गेट्स आस्क्ड, यही सेम क्वेश्चन पूछते हैं जब आप एनएसजी के लिए अपना वॉलंटियर फॉर्म भरते हैं. राइट तो एनएसजी के टाइम पे भी सेम ये सवाल पूछा जाता है कि एनएसजी क्यों ज्वाइन करनी है. एंड अब मैं क्यों बता रहा हूँ, जब ये सवाल मेरे से फर्स्ट टाइम एसएसबी में पूछा गया था, आई वाज वेरी यंग यार, आई वाज टू यंग कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड. तो ना एक बड़ा इजी आंसर था मेरे पास उस टाइम देने के लिए कि सर पूरे खानदान ही फौज का है. एवरी इफ आई लुक बैक माय फादर, पीछे वाले सारी जनरेशन फौज की है, तो सर दैट इज अ प्राइम रीजन की सर हम ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव सीन ऑल थ्रू आवर लाइफ. बट दिस वाज नॉट इन माय माइंड यार, मेरे दिमाग में एक्चुअली मेरे को जो पसंद था फौज का वॉज द डिसिप्लिन लाइफ दैट फौजीज हैड, लाइक माई फादर हैड. और वो चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी कि अरे एवरीथिंग इज इन अ पर्टिकुलर वे, कि आप टाइम से उठते हैं, टाइम से चीजें करते हैं, टाइम से रिस्पॉन्ड करते हैं लोगों को, सब कुछ जो है वो चलता है. तो वो जो डिसिप्लिन वाला पार्ट था विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन. और ये चीजें जो डिसिप्लिन वाला पार्ट है ना, वो पार्ट आपकी पढ़ाई हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग तो भी आपको डिसिप्लिन लगता है. यानी सम मतलब अभी अब फौज से निकल के अब अगर एक नए फील्ड में है, इफ यू हैव टू अचीव समथिंग तो यहाँ भी डिसिप्लिन लगता है, तो बिना उसके वो हो नहीं पाता. तो दिस वाज वन थिंग व्हिच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. जो प्रॉब्ली मेरे को एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मेरे को याद है, वो मैंने उनको बताया होगा था उस टाइम पे, बट जो एग्जैक्ट आंसर मुझे एनएसजी का याद है, व्हेन आई वाज फिलिंग अप माय फॉर्म,
तब मैंने उनको कहा था ये वाली चीज की, बिकॉज आई हैड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सर्विस व्हेन आई जॉइंड एनएसजी. तो मेरी सीनियोरिटी उस टाइम पे कोई 9-1 साल की सीनियोरिटी थी, एंड आई वॉज इन ईएमई, आई वॉज इन टू स्टाफ अपॉइंटमेंट्स. तो मेरा थोड़ा काम आसान वाला हो गया था उस टाइम पे, तो आपका पेपर वर्क में ज्यादा आप आ जाते हो वाला. राइट सो दैट इज व्हेन व्हेन दे आस्क मी, तो मैंने उनको कहा था कि सर नाउ आई एम मिसिंग द लाइफ व्हिच आई वांटेड फ्रॉम आर्मी, मेरा एडवेंचर वाली लाइफ खत्म हो गई है, आई वॉन्ट टू कम बैक टू वॉट आई वॉन्टेड टू डू इन आर्मी. मैं आया था फौज में एक सर्विस के हिसाब से कुछ करने के लिए, मेरे को पेपर वर्क वाला इतना वो नहीं था. सो मैंने पहले वो किया, इन्फेंट्री में गए 2 साल, तो मेरा एडवेंचर वाला चलता रहा. आई वॉज लकी इनफ टू बी विद द स्पेशल फोर्सेस अपना यूनिट में थोड़ी देर के लिए, उनकी टीम के साथ, नॉट एग्जैक्टली विद द यूनिट बट विद द टीम ऑफ देयर्स. तो मेरे पास वो था. उसके बाद मैं इतनी देर से ईएमई में हूँ, अब मेरा वो एडवेंचर वाला पार्ट जो खत्म हो गया है फॉर विच आई हैड जॉइंड आर्मी. तो मेरे को वो, अब मेरे को वो आंसर मिला अपने 20 साल की एज वाला कि यार इट वॉज एडवेंचर दैट आई वॉज सीकिंग, इट वॉज अ सर्टन वे ऑफ लिविंग विच आई वॉन्टेड. जो मेरा जब 4-5 साल, मुझे 5-6 साल ईएमई से नहीं मिल रहा था, फिर मुझे एनएसजी के टाइम पे वो याद आया कि नहीं यार ये मेरा आंसर है. एक्चुअली यू वॉन्ट अ सर्टन लाइफ, जो एडवेंचरस लाइफ जो आपको फौज देती है, वो फिर आपका मिस होने लग जाता है नॉर्मल उसमें. तो दैट वॉज द रीजन, मतलब आई वॉन्टेड टू बी हियर. राइट राइट तो एंड सर अभी ना आर्मी के कॉमर्शियल्स बड़े मतलब मस्त मस्त से आते हैं ना, कि आर्मी गिव्स यू एवरीथिंग, है ना, बहुत अच्छे कॉमर्शियल इंडियन आर्मी निकालती है आजकल. सो लाइक देर इज अ स्कोप ऑफ एवरीथिंग इन आर्मी, लाइक एंड अपनी आर्मी सर इसको लेके बहुत ज्यादा ओपन है कि ऑफिसर, इफ सम ऑफिसर वॉन्ट्स टू ज्वाइन अ पर्टिकुलर आर्म एंड इफ ही इज एलिजिबल फॉर इट, तो उसको पूरा सपोर्ट भी करते हैं, मतलब सीनियर्स एंड पूरी फौज उसको सपोर्ट करेगी कि ओके यू गो फॉर इट, है ना. तो ये चीजें बहुत अच्छी है अपनी इंडियन आर्मी के अंदर. सो सर इसी कन्वर्सेशन को वी विल कंटिन्यू आगे, है ना. अब मैं आऊंगा आगे की कहानी, दैट विल बी वी विल रीजॉइन दिस मीटिंग अगेन एंड देन उसमें हम एनएसजी के बारे में जानेंगे, बिकॉज पीपल आर क्रेजी अबाउट एनएसजी, व्हाट इज द डन 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 ब्लैक कैट कमांडोज क्या है. मेरा खुद का छोटा भाई है एंड ही इज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बाय द वे, ही इज फ्रॉम योर, माई वाइफ इज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, माई यंगेस्ट ब्रदर इज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस. तो वो बड़ा पगलाया हुआ है कि भैया सर आएंगे ना तो मेरे को ना रिकॉर्डिंग का लिंक देती हो यार कैसे भी करके. मैंने कहा तू टेंशन मत ले, मैं पूछ लूंगा तेरे भी सवाल सर से. तो काइंड ऑफ उसके बारे में अपन जानेंगे, उसमें थोड़ा सा घुसेंगे. और ऑल्सो सर अकेडमी डेज, यू वॉज फ्रॉम IIM राइट. तो अकेडमी अकेडमी डेज और आपकी जो ट्रेनिंग थी उस दौरान भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जो आप शेयर करना चाहोगे बच्चों के साथ. तो स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस एंड इन द पार्ट टू वी विल कवर लॉट मेनी एस्पेक्ट ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र सर लाइफ. सो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ. वी विल कैच अप अगेन विद सर. जय हिंद एंड टेक केयर सर. लेट्स रीजॉइन वंस अगेन सर.